नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत कह चुकी है कि तीन तलाक गैर कानूनी है। मुस्लिम महिलाओं का बड़ा तबका इसे भेदभाव भरा शोषण और अत्याचार का प्रतीक मानता है। दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक मुल्कों सहित 23 देशों में इस पर पाबंदी है, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत और पुरुषवादी सोच के गुलाम तुरंत तीन तलाक में कुछ गलत देख ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें तुरंत तीन तलाक पर एतराज नहीं है। इनमें से कुछ की नजर में तुरंत तीन तलाक बिल का समर्थन बीजेपी की दलाली करना है, तो कुछ तो ये अल्लाह का फरमान मान रहे हैं। ऐसे लोगों को शरिया कानून के सिवा कुछ और मंजूरी नहीं है। इनके रुख में वोट देखने वाले कई दल तुरंत तीन तलाक के मुद्दे पर लंबे वक्त तक खामोश रहे, लेकिन अब वो खुलकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जिस महिला के साथ कोई शख्स निकाह करता है, उसके साथ लंबा वक्त गुजारता है, आखिर ऐसे कौन से हालात हो सकते हैं कि अचानक एक दिन तीन बार एक साथ तलाक बोलकर वो इस रिश्ते से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। हद तो ये है कि ये सारा मामला एक तरफा है। पुरुषों को महिलाओं से छुटकारा पाने के लिए जो तुरंत तीन तलाक का हक है जो चाहिए, लेकिन यही हक वो महिलाओं को देने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्यों ना माना जाए कि तुरंत तीन तलाक जैसी कुरीति लैंगिक भेदभाव, महिला अत्याचार और शोषण का हथियार है। तुरंत तीन तलाक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने जिस तरह के बयान दिए हैं वो झकझोर देने वाले हैं। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या तीन तलाक बिल के विरोधी वोट बैंक के धर्म संकट में फंसे हुए हैं? क्या शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानना संविधान को चुनौती देना नहीं है? और क्या तुरंत तीन तलाक का समर्थन करने वाले महिला विरोधी हैं? तीन तलाक पर आजम का पैगाम, संविधान से बढ़ा शरिया और कुरान, और इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। कानून शरीयत जो कहता है हम उसे मानेंगे, बस हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, तीन तलाक पर आजम का पैगाम, संविधान से बड़ा शरिया और कुरान। कानून शरीयत जो कहता है हम उसे मानेंगे, बस हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। और कानून शरीयत अल्लाह का कानून है, कुरान हकीम देख लिया जाए। कुरान में जो तलाक का तरीका है अगर उसी पर बिल आ रहा है तो इस बिल की क्या जरूरत है? आज महाराष्ट्र में 13% मुसलमानों की आबादी है, 40% मुसलमान जेल में है, तो ये 10% और बढ़ा देना चाहते हैं, 50% जेल में भेज देना चाहते हैं मुसलमानों को। तो क्या इस बिल से, इस कानून से मुसलमानों को जेल भेजने की आप बात कर? 100% मुसलमानों को, आदमी और औरतों दोनों को भी तकलीफ में डालना है। इस बिल से कोई फायदा नहीं है। दूसरे समाज के और लोग हैं जिसमें इससे ज्यादा प्रॉब्लम है, उसको सरकार छेड़ने को तैयार नहीं। बात तुरंत तीन तलाक पर छिड़ी और कानून संविधान को चुनौती देने से लेकर सरकार की नीयत में साजिश तक पहुंच गई। लेकिन हदें पार करने में विवाद आजम का कोई सानी नहीं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज आजम अब शरिया कानून को सबसे ऊपर तो मान ही रहे हैं, साथ ही अब इसे पूरे देश पर लागू करने की वकालत कर रहे हैं। तो आप ये कानून बनाइए कि शरीयत के कानून को माने मुसलमान। हमारी तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुतअद्दिद तकरीरें हैं कि पर्सनल लॉ मुसलमानों पर लागू कर दिया जाए, यानी चोरी करने वाले मुसलमान के हाथ काट दिए जाए। अगर ये कानून कामयाब हो जाए तो इससे पूरे देश पर लागू कर दें, वरना मुसलमानों पर पर्सनल लॉ लागू करें, हम तो तैयार हैं इसके लिए। क्या शरिया कानून से चलेगा देश? ये कैसी बहस छेड़ी जा रही है? न सुप्रीम कोर्ट की चिंता की फिक्र, न महिलाओं के हक मारे जाने पर शिकन। तो हम कोई कानून माने न माने, हम शरीयत के कानून को मानेंगे, हम कुरान के कानून को मानेंगे, अपने नबी के कानून को मानेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं मानेंगे। आप जबरदस्ती कौन है मनवाने वाले? और इसी बहाने आजम की मर्दवादी मानसिकता सामने आ जाती है। लेकिन इस मानसिकता के शिकार वो अकेले नहीं, जुगलबंदी के लिए उन्हीं की पार्टी में उन्हें साथ ही मिल गया है। आजम को आजमी का साथ मिल गया है। आप कौन है जबरदस्ती मनवाने वाले कि मैं शादी कैसे करूंगा, मैं बीवी को कैसे कपड़े पहनाऊंगा, मैं बच्चे को किस अस्पताल में पैदा करूंगा, मैं उसे क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मेरी लड़ाई हो जाएगी बीवी से तो मैं उसे जला दूंगा या अलहदगी ले लूंगा। मैक्सिमम औरतें, मैं कहता हूं
5% से ज्यादा औरतें कहेंगी कि ट्रिपल तलाक में सरकार को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रिपल तलाक के इशू को उठाया भी तो औरतों ने और मुस्लिम महिलाओं ने ही उठाया था। ये तो दलाल है बीजेपी की, आरएसएस के दलाल हैं वो लोग जो उठा रही हैं। बल्कि ट्रिपल तलाक से का कानून बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं को और तकलीफ होने वाली है। आजमी की नजर में हक मांगने वाली मुस्लिम महिलाएं दलाल हैं, ऐसा कहते हुए उनकी जुबां कांपी तक नहीं। और आजम चाहते हैं कि कोई मर्द अपनी बीवी को जला भी दे तो कोई रोकने टोकने वाला ना हो। हद तो ये है कि मर्दवादी मानसिकता के शिकार नेता तुरंत 3 तलाक की तुलना खुला से कर रहे हैं। एक तरफ मर्दों को एक झटके में 3 तलाक लिख बोल या मैसेज कर देने से निकाह से छुटकारा, तो दूसरी तरफ लंबी प्रक्रिया से गुजरकर खुला लेने वाली महिलाओं के अधिकार पर सवाल। तलाक के मामले में आप औरत की बात तो कर रहे हैं कि मर्द ने ऐसा कह दिया, और जो औरतें खुला लेती हैं, अपने मर्द से अलहदगी लेती हैं, उसके बारे में कानून क्या कह रहा है? कुछ राय इस बारे में भी तो बताएं मोदी जी। तुरंत 3 तलाक बिल पर मुस्लिम मर्दों के वोटों की चिंता कई सियासी दलों को दुबली कर रही है। कल जब संसद में कानून मंत्री ने संशोधित बिल को पेश किया, तभी सियासी तकरार शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया ये गलत है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, इसके बावजूद देश में धड़ल्ले से 3 तलाक दिया जा रहा था। हमारी खवातीन मुस्लिम महिलाएं परेशान थी, एक बार तलाक 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 बोल करके शादी को तोड़ा जाया करता था, व्हाट्सएप से तलाक, रोटी नहीं पकी तो तलाक। तो इसलिए इसमें सोच विचार कर कानून लाया गया है, इसमें पेनल प्रोविजन है और इसमें हमने सुधार भी किया है। तो ये देश के हित में है, संवैधानिक है, और जो पीड़ित हमारी मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं उनकी चिंता करने के लिए बिल है। इसलिए जो पूरी आपत्ति है वो आपत्ति बिल्कुल बेबुनियाद है। पहली बात ये है कि आप एक सिविल ऑफेंस को लेकर क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि आप इक्वालिटी क्लॉजेस को वायलेट करके एक रिलीजन के बेसिस पे आप कुछ कर रहे हैं। अगर औरतों के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो तो सारे औरत के लिए एक बिल करना चाहिए था, समझ गए ना, कि ये नहीं है कि आप एक रिलीजन के बेसिस पे बिल पास करें। हम तो पूछेंगे कि क्या 3 तलाक बिल के खिलाफ रोड़ा अटकाने वाले महिला अधिकार विरोधी हैं? सुनिए हमारा आज का सवाल। हमारा सवाल है, क्या 3 तलाक बिल के खिलाफ रोड़ा अटकाने वाले महिला अधिकार विरोधी हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP Space Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP Space N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #3 तलाक के जरिए, 3 तलाक पर घमासान के जरिए दे सकते हैं। बड़ी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना साजिद रशीदी, जो अध्यक्ष हैं AIIA के, और साथ ही अजय गौतम, संस्थापक हम हिंदू के, स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। आज चर्चा में हमारे साथ और कौन कौन जुड़ रहे हैं परिचय करवा दें। प्रेम शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही आज हमारे साथ अमी बेन याग्निक कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए होंगी। इनके अलावा नाजिया इलाही खान वकील हैं, 3 तलाक पीड़ितों की आवाज़ बुलंद करने के लिए जानी जाती हैं। इनके अलावा आज चर्चा को मैं शुरू करूं उससे पहले एक बात ज़रूरी है आप सभी को बताना। ये जो आज़म आज़मी का बयान जिस पर हमें डिबेट करने को मजबूर होना पड़ा, इन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता को हमने पूरी कोशिश की कि वो यहाँ मंच पर आएँ और बताएँ कि आज़मी और आज़म के बयान से वो क्या इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो बाहर निकालिए ऐसे लोगों को। लेकिन सुनिए, मौके की नज़ाकत समझिए, कोई आने को ही तैयार नहीं हुआ। हमारी डिबेट से इनकार कर दिया गया कि हम आपकी चर्चा में शामिल नहीं होंगे। चलिए अब डिबेट को शुरू करते हैं। अमी बेन याग्निक, आज़म खान के बयान से आप सहमत हैं? देखिए, देश में रूल ऑफ लॉ है, हमारा संविधान है। अगर कानून जो कहता है वो ना माने तो उसका मतलब ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और ये हमारा जो कानून है, उन्होंने आज 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कह दिया कि भाई ये ट्रिपल तलाक इज इलीगल, ये नहीं हो सकता है। तो फिर अभी वो कहें कि हम कानून नहीं माने तो क्या ये हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कोई कानून की मान्यता नहीं है, या तो जंगल राज है? तो ये उनका ओपिनियन है और वो
पता नहीं वो कौन से तथ्यों पे ये कह रहे हैं, तो ये तो उनकी जो समझ है उन्होंने बताई है। अभी सहमति ना सहमति की बात नहीं है, हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम महिला अधिकार की बात कर रहे हैं। तो तभी ये हम ये जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप लेजिस्लेशन लेके आओ, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, मतलब ये कि आजम खान के बयान की आप निंदा करती हैं, निंदा करिए फिर। नहीं नहीं, निंदा की बात मैं नहीं करती हूं, मैं कहती हूं कि उनकी क्या समझ है कानून के बारे में, उनकी क्या समझ है कि ये देश के संविधान के बारे में, उनकी क्या समझ है महिला अधिकार के बारे में। तो उन्होंने तो सिर्फ अपना पक्ष रख के बोल दिया कि हम तो नहीं मानेंगे। तो ऐसे कंट्री में आप जो खुद महिला है, आप खुद महिला हैं, आप समझ सकती हैं कि तीन तलाक, तुरंत तीन तलाक की वजह से कितना अत्याचार महिलाओं पर हुआ है। और एक ऐसा शख्स जो जिस तरह की अनर्गल बातें तीन तलाक के बिल्कुल लेकर कह रहे हैं, आप मान रही हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप उस आदमी के बयान की निंदा नहीं कर सकती? इतनी हिम्मत नहीं है कांग्रेस के या प्रवक्ता जो बैठे हैं उनमें? देखिए, आप एंकर हैं, आप इस तरह से बात ना कीजिएगा प्लीज। किस तरह से बात ना कीजिएगा, जरा ये भी बता दीजिए। नहीं बता दीजिए ना, संक्षिप्त में बताया, मैं भी डेमोक्रेसी की बात बताई, इसीलिए पूछ रही हूं। तो मैंने वही तो कहा कि इनका एक एक व्यक्ति की ऐसी निंदा करने से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है महिला अधिकार के कानून? पड़ेगा ना, पड़ेगा ना, करने की बात नहीं, मैं पड़ेगा तो उनकी बात इतनी पड़ेगा, तभी तो कानून की शक्ल नहीं ले पाया है ये बिल, पड़ रहा है ना, ऐसे ही एक एक आदमी खड़े हो जा रहे हैं सारे। पर उनका उनका पार्लियामेंट में तो वो आके नहीं करते हैं ना, लोग देख रहे हैं ना। अमी बेन याग्निक, अरे किसी आपको नाज़िया इलाही खान जो खुद महिला है और उन्होंने झेला है कैसे तीन तलाक की पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको वो डील करती रही हैं, और वो डील सिर्फ और सिर्फ एक वकील की हैसियत से नहीं, एक महिला होने का भी दर्द होता है। नाज़िया, आपको याग्निक जी की बात से सहमत है आप? आपको आइडिया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अरे आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या नहीं हो रहा है। ट्रिपल तलाक के बाद अब लोग तलाक हसन पर चले गए हैं, यहाँ देखिए पेपर, लोग तलाके हसन पर चले गए हैं। मर्दों को औरत को रोंदने का काम चाहिए, सिर्फ तलाके हसन दे रहे हैं, पॉलीगेमी का झगड़ा कर रहे हैं, पॉलीगेमी की धमकियां दे रहे हैं, लोग तलाके हसन की नोटिसेस भेज रहे हैं, ये देखिए, तलाके हसन के नाम पर लड़कियों को बेइज्जत बेआबरू करके मैट्रिमोनियल हाउस से निकाला जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। रात के 2 बजे सकरैन थाना में निकाल दिया गया, थाना नहीं इज्जत दे रहा है। उनकी बात को सुन रहे हैं मुसलमान, और आप खुद एक मुसलमान होते हुए, एक औरत होते हुए आप रिप्लाई नहीं दे पा रही हैं। आपको आइडिया है कि तलाके हसन पर कितनी आप मुझे कह रहे हैं बर्बाद हो गई है, और मौलाना लोग नोटिस भेजते हैं और लड़कियों पर प्रेशर करते हैं, आप कोई कह रही हैं के पक्ष ले रही हैं। आप नाज़िया हसन नहीं हूं, मैं नाज़िया इलाही खान हूं। आप नाज़िया इलाही खान कह रही हैं ना, अपनी चिट्ठियों पर मौलाना साहब अपनी चिट्ठियों पर तलाके हसन जबरदस्ती कबूल करवाते हैं प्रेशर में, वो भी मस्जिदों के अंदर, तलाके हसन पॉलीगेमी का जबरदस्ती करवाते हैं। आप कहें कि नाज़िया इलाही एक सेकंड रुकिए, नाज़िया इलाही एक सेकंड रुकिए। अमी बेन याग्निक, अभी आप नाज़िया इलाही को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसे ही बहुत सारे लोग मुस्लिम समुदाय से मर्द खड़े हो जा रहे हैं और उनकी बात सुनी जा रही है। आपके लिए शायद ये एक शख्स की आवाज हो, लेकिन उस शख्स की आवाज कितनी असर कर रही है इस बात को समझने की जरूरत है। मैं वही कह रही हूं कि ऐसे शख्सों की बात ना सुनी जाए, क्योंकि कानून अपना काम करता है, ये महिला अधिकार का बिल है, और ये महिला अधिकार सहयोगी है। एक ऐसा शख्स जो मंत्री रह चुका है कैबिनेट में, मुलायम के साथ बहुत करीबी रिश्ते हैं, बड़ी पकड़ है समाजवादी पार्टी में उनकी, तो बोलिए ना कि निंदा करते हैं हम।
देखिए बात बड़ी स्पष्ट है, जो धर्म के साथ नहीं खड़ा वो अधर्म के साथ खड़ा, ये बात ये नहीं, गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है, या तो आप सच का साथ देंगे या आप असत्य का साथ देंगे, और जो धर्म के साथ नहीं खड़ा वो निश्चित तौर पे अधर्मी के साथ खड़ा है। सवाल ये है कि जो कांग्रेस के जो अमीबेन याग्निक जी हैं, अब वो या तो उसकी निंदा करने से भी शायद उनको कुछ संकोच हो रहा है, सवाल ये है कि उनको मैं थोड़ा सा सिर्फ थोड़ी सी बात सिर्फ इतनी सी है कि ये इनका कोई पहला इस तरीके का नहीं है कि इस तरीके करने, ये वही आजम खान है जो मानसिक दिवालियापन के शिकार होकर कहते हैं कि भारत माता तो डायन है, जिस जमीन पे रहते हैं, जिस जमीन पे 5 बार अपना माथा रगड़ के नमाज पढ़ते हो उसको डायन बनने वाले आजम खान, भारत की कारगिल पे जो है कौन जीता था, कारगिल युद्ध में विजय किसने जिताई, आज तक कभी फौज का धर्मांकरण नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने फौज को भी धर्म के अंदर बांट दिया, किसी अनर्गल तरीके के बयान देने के ये जो व्यक्ति आ रही है, आज उन्होंने संविधान को चुनौती दी है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दी है कि मैं इस देश के कानून को नहीं मानूंगा, मैं शरीयत के कानून को मानूंगा। शरीयत के अंदर तो ये भी लिखा है कि 2 औरतों की गवाही जो है वो 1 पुरुष के बराबर होती है, तो इसका मतलब कल को एविडेंस एक्ट में मत मानिएगा। नहीं नहीं, कल को हिंदू जरिया नहीं देंगे, नहीं नहीं, हिंदू अगर जरिया नहीं देंगे तो आप उनके घर में लूट लीजिएगा, ये मेंटल बैंकरप्सी है इस व्यक्ति की, और रासुका लगा के इसको जेल के अंदर बंद करना चाहिए। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, अमी बेन याग्निक निंदा करने से क्यों बच रही है, कौन सा डर है उनको? देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरह से जो है अल्पसंख्यक मतों के तुष्टीकरण के लिए जिस तरह से लैंगिक विभेद को बढ़ावा देने का दुष्कर्म कर रही है, सुनना पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। नहीं अमी बेन जी, आपको बहुत सुन लिया गया, मेरी बात तो हो जाने दीजिए, मुझसे प्रश्न पूछा गया है, इसके बाद आपको अवसर मिलेगा अमी बेन जी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है, कहा ही नहीं है एंकर कोई और, लैंगिक आपकी बात नहीं सुनेंगे, पहले मेरी बात सुनेंगे, आप आजम खान की निंदा करेंगे, मैं ये बात कह रही हूँ, महिलाओं को अपेक्षा अमी बेन की महिला होने के नाते एक महिला विरोधी पुरुषों की विकृत जो परंपरा है उसके विरुद्ध आप खड़ी होगी, उनकी अपेक्षा है, आपसे अपेक्षा ये है कि जो पुरुषों की विकृति के चक्कर में महिलाओं पर अनाचार को बढ़ावा देने का की पैरवी कर रहे हैं उनके खिलाफ आप खम ठोक कर खड़ी होंगी, ये अपेक्षा मुझे लगता है कि इस चैनल को भी है, महिलाओं को भी है, संविधान को भी यही अपेक्षा है, और इस देश की मानवता भी यही अपेक्षा करती है। मैं ये कह रही हूँ कि ये मानसिकता नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ कानून चलेगा, ये मानसिकता बिल्कुल नहीं चलेगी, आप सुनते ही नहीं है, निंदा रहे, मैं चलिए अच्छी बात है अमी बेन याग्निक, और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के बाकी स्पोक्स पर्सन भी आपकी आवाज कहें, और इसी बात की हम उम्मीद कर रहे हैं जिसको लेकर हम आप पर लगातार बात रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़े हुए हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब, जिनके पास मैं ब्रेक से पहले नहीं जा पाई थी। रशीदी साहब, शरिया के हिसाब से देश चलेगा या संविधान के हिसाब से? नहीं, देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा। तो ये क्या कह रहे हैं आजम खान और क्यों कह रहे हैं? प्रीति जी, आपको याद होगा जब सबरीमाला पर कोर्ट का फैसला आया तो कुछ लोग, आपको पता होगा, मंदिर में पहुंच गए थे कि औरतें एंट्री ना करें, उन्होंने भी ये कहा था कि देश जो है धर्म से ही चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसा वहां हुआ था इसलिए ये ऐसा हो रहा है, इसको जायज करार दे देना चाहिए? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त में ऐसा हुआ था और आज भी ऐसा ही है, सबरीमाला में औरतों को एंट्री नहीं मिली है अभी तक भी, लेकिन हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, ट्रिपल तलाक पर जो कोर्ट ने फैसला दिया हम उसको मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं और तहे दिल से मानते हैं, और सरकार जो बिल ला रही है उस बिल का भी विरोध नहीं करते, ना किसी आलिम ने, ना किसी मौलवी ने, ना किसी धार्मिक संस्था ने उस बिल का विरोध नहीं किया, सिर्फ उसके अंदर कुछ बातें हैं जिनके संशोधन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए बताइए, नंबर 1, जैसे वो बिल आया है उसमें सबसे पहले तो ये डाल दिया गया है औरत पर कि औरत मजिस्ट्रेट के पास जाकर ये साबित करे। कुछ तब्दीलियां हुई हैं, मैं आपको इत्तेफाक शायद हो सकता है जानकारी में ना हो, मैं बता देती हूँ पहले क्या था, जो पुराना वाला सुन लीजिए ना, पहले था तुरंत 3 तलाक के मामले में कोई भी केस दर्ज करा सकता है, लेकिन अब ये हो गया कि भाई जो ब्लड रिलेशन है पीड़िता या फिर ब्लड रिलेशन के लोग, पहले क्या था, तुरंत 3 तलाक गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध था, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, अब क्या, मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार है। ठीक है, पहले क्या था, समझौते का कोई प्रावधान नहीं था, मजिस्ट्रेट के सामने पति पत्नी में समझौते का विकल्प भी खुला है, इतनी तब्दीलियां तो कर दी, अब क्या है? अब मेरी भी सुन लीजिए, अभी भी एक क्लोज उसमें है कि औरत मजिस्ट्रेट के पास जाकर यह साबित करेगी कि मुझे 3 तलाक दी गई है, अभी भी एक क्लोज है, क्यों करेगी भाई औरत,
मर्द दे रहा है तीन तलाक, आपने लाद दिया औरत के ऊपर कि औरत साबित करे कि मुझे तीन तलाक दी गई। नंबर सुनिए, थोड़ा सा सुन, एक मिनट, बात अच्छी पहुंचनी चाहिए लोगों तक। दूसरे ये आपने इसमें एक क्लोज और डाला है, ब्लड रिलेशन, कि ब्लड रिलेशन भी अगर कोई आदमी कंप्लेन करेगा तो उसको माना सुन लीजिए ना, ये ना इंसाफी। अगर औरत के हक की बात कर रहे हैं तो औरत के हक की बात होने दीजिए। हाँ यही तो एक चीज है जिसको सुनिए, जिसको आप एक मिनट, मेरे भाई पंडित जी, मेरे भाई सुन लीजिए, अच्छी बात लोगों तक जानी चाहिए। मैं करने से कोई फायदा नहीं, नंबर बात बढ़ा रहा हूँ जो सिर्फ दस सेकंड ये कहा कि साबित करने वाले मुझे 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 प्रोसिक्यूशन का मामला मुझे 10 सेकंड। चलिए मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि साबित उसको करना पड़ेगा औरत को कि भाई इसके अंदर ये जो है इसने तीन तलाक दी है। प्रोसिक्यूशन के अंदर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो साबित करना, अगर एक बार मुकदमा दर्ज हो गया, FIR दर्ज हो गई, कलेक्शन को कलेक्ट करना, एविडेंस को करना, विटनेस को ट्रायल करना, ये सब प्रोसिक्यूशन का काम है। इसलिए आप उसको मिस इंटरप्रेट मत करिए कि वो औरत को जाके साबित करना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज होने की स्थिति में साबित करना स्टेट का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है। वो एविडेंस की बुना पर अगर किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा है या SMS पर भेजा या ईमेल पर भेजा तो अपने आप में एविडेंस है ना, तो वो तो एविडेंस है ना, तो उसमें एविडेंस में भागने की आवश्यकता है। रशीदी साहब अगर आप ये ना बोले तो मैं बोलूं? बोलिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, मैंने बहुत धैर्य से सुना है। नंबर एक मैंने बता दिया, दूसरा नंबर ये है, आपने ब्लड रिलेशन को आपने अभी बयान किया है। सपोज कीजिए मेरा भाई मुझसे जलता है, मेरे कारोबार से, मेरी किसी भी चीज से, और उसने कंप्लेन कर दी। अब झूठ की और फरेब की गुंजाइश तो हर जगह है ना। बात आपने बहुत सारे लोगों को जेलों में देखा होगा। आपने इनको इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन मुझे कर रहे हैं, लेकिन मुझे कर रहे हैं, मैं सच्ची बात लोगों को बताना चाहता हूं। सच्ची और झूठ की बात नहीं है, मुझे एक मिनट तो सुनिए, मुझे एक मिनट तो सुनिए, मुझे एक मिनट तो सुन लीजिए। आप मुझे काउंटर कीजिए, मैं कब कहता हूँ नहीं कीजिए, काउंटर कीजिए, लेकिन एक मिनट तो मुझे बोलने दीजिए। मेरे भाई ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी या मेरे खिलाफ मेरी बीवी को वर्गला के कोर्ट थाने पहुंच गया, मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया, उसमें क्या सरकार प्रावधान करेगी? नंबर एक। दूसरी बात ही सोच सकते हैं भाई, जहाँ कहीं भी तो गुंजाइश होती है ना कि हाँ आपके साथ हो सकता है। मेरी बात एक मिनट, आप दहेज प्रथा की बात करेंगे तो वहाँ पर झूठे इल्जाम लगते हैं। मेरी बात एक मिनट भी नहीं सुनी जाएगी। चलो, अरे आप जो सच्चाई थी वो टपक रही थी। मुझे एक मिनट भी कम से कम बोलने का मौका दिया जाएगा कि नहीं। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं झगड़ा करना ही नहीं चाहता बिल्कुल। अगर मुझे आराम से सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, नहीं तो मैं चुप बैठूंगा, कोई बात नहीं। 30 सेकंड बोले सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ तू मैं हो। मैं चाहता हूँ देश के लोगों के सामने अच्छी बात पहुंचे। दूसरी बात, जिस मुद्दे पर बीजेपी को 2 से 325 तक पहुंचाया है लोगों ने, राम मंदिर पर बिल क्यों नहीं आ रहा है भाई? यही आ रहे, मुझे बताइए ना, आपके पास जवाब है? बताइए ना, आप बताइए, आप का एहसास नहीं पंडित जी, कल तक आप चिल्ला रहे थे, कल तक आप चिल्ला रहे थे विश्व हिंदू परिषद आ रहे थे, आपको राम मंदिर पर बुलाया गया था? राम मंदिर पर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था बेतुकी दलील लग रही है आपको? हो रहा है ना चर्चा करते हैं, बेतुकी दलील लग रही है, तीन तलाक पर है, बहुत बड़ी बात है। आज के दिन हिंदुओं की आस्था बेतुकी दलील, आज के दिन ये बेतुकी, इसलिए कि आज का विषय तीन तलाक है ना। ना मेरे बड़े भाई हैं हिंदू, तौर पर बिना बड़े भाई हैं हिंदू, संसद में चर्चा की दलील नहीं राम मंदिर पर। सवाल तक ये लोग चिल्ला रहे थे, इनको कम से कम राम मंदिर पर भी तो बात करना चाहिए। आपके पेट में क्यों दर्द होता है मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जो भी हो रहा है? हिंदू महिलाओं का देखिए ना ठेका, 22.5 लाख महिलाएं, रुक जाइए रशीद साहब, 22.5 लाख महिलाएं बैठी हैं हिंदू, जवाब दीजिए। एक मिनट बात सुनिए, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड एंजॉय ए गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी इज फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, यहाँ किस चीज की बात, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, मुस्लिम मेंशन है, अभी मुझे अब आपको एक्सपोज करना है तो सुन, अभी आपकी बात हो जाएगी। मुस्लिम मेंशन है, मंदिर में दर्शन करना जाना विकल्प हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के सिर्फ तीन तलाक ये कह देने पे कि उन्हें चाय ठंडी दे दी, रोटी रोटी मिला दी, तूने जो है मेरे कहने पे फोन
क्यों नहीं उठाया इस बात को लेकर, तीन तलाक देके किसकी जिंदगी को हमेशा के लिए खराब कर देना, उसको सम्मान उसको समाज के अंदर बहिष्कृत कर देना। ये महिला अगर वापस आना है तो पहले हलाला करो, किसी के पास जाके अपने आत्मसम्मान को बेचो तब वापस आओ। इसकी तुलना आप एक सबरीमाला मंदिर से अगर कर रहे हैं तो कहीं भी उसको आर्टिकल में सिर्फ मुस्लिम लिखा है। मैंने क्या कहा आप बताइए, महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए? हिंदू महिला को पति की संपत्ति में भी हक है, पिता की संपत्ति में भी हक है। आपको यहाँ है बताइए, मुस्लिम को भी आपके यहाँ है बताइए, क्या पिता की संपत्ति में अधिकार है, पति की संपत्ति में अधिकार है? तीन तलाक दे दे, तलाक 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 करके आप सड़क पे खड़ा कर देते हो, उसको हलाला करवाते हो। आप कहते अब बताइए ना, हदीस बता दीजिए, आप मेरे पास रखा बता दीजिए ना। सवाल सवाल महिलाओं के स्वाभिमान की बात है, एक के साथ भी इनजस्टिस होता है तो पूरा कानून बदल जाता है। हिंदू महिला को ना मिले, देखिए आईटी एक्ट का सेक्शन 1 second, किसी की आवाज नहीं जा रही आप दोनों में से। अमीबेन याग्निक की आवाज प्लीज, उनकी आवाज आनी चाहिए। अमीबेन याग्निक आपसे मेरा सवाल है, आप ये बताइए, अभी आप सुन रहे थे अजय गौतम और रशीदी जी को, दोनों इस बात को तवज्जो दे रहे हैं कि मुसलमानों में महिलाओं को क्या हक है। नहीं नहीं आपने बोला, मैं कह रहा हूं सबको मिलना चाहिए। नहीं नहीं गलत करें, नहीं नहीं आप जस्टिफाई गलत करें, आपने हिंदुओं की बात कही। मैं कह रहा हूं फिर मुस्लिम की बात हो जाती है, हिंदू अरे वो आप उन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया ना, ये जेंडर इक्वेलिटी का मामला है। रशीदी साहब प्लीज आप अपनी टर्न पे बोलेगा। अमीबेन याग्निक की बारी है आपकी आवाज नहीं जा रही आप में से किसी की आवाज नहीं जा रही। अमीबेन याग्निक बोलेंगे प्लीज। अजय गौतम रुकिए आप नहीं सुनाई दे रहे लोगों को, आप नहीं सुनाई दे रहे हैं। अमीबेन याग्निक जरा ये बताइए रशीदी साहब को और अजय गौतम जी को और बाकी पैनलिस्ट को, रुक जाइए, मेरा नाम मत, क्या ये जेंडर इक्वालिटी का मामला नहीं है? तमाम औरतों को हक मिले मैंने कहा है। कोर्ट में वहाँ जितनी मेरी आवाज आ रही है तो बताइए कि ये किस तरह से जेंडर इक्वेलिटी का मामला है? ये हिंदू महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं का मामला नहीं है, ये क्लियर कीजिए यहाँ पर इन लोगों को। देखिए शायद इन लोगों को क्या जेंडर इक्वालिटी है वो पता नहीं है, वेमेन को कितने अधिकार दिए संविधान उनका पता नहीं है। ये सिर्फ अपनी जो ये दोनों की मैंने बातचीत सुनी, बातचीत तो है नहीं, वो डिबेट कर रहे हैं, वो हटके कर रहे हैं, वो पता नहीं किस चीज के कर रहे हैं और वो गुमराह भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है महिला अधिकार की बात है। ये ट्रिपल तलाक को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, तो ये बात हो गई है। महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, आप यहाँ मुस्लिम की बात नहीं आनी चाहिए। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं आपको भी समझा रहा हूँ मैडम, या तो इनको कहो या तो तमाम महिलाओं को नहीं, मेरा नाम लेके मत कहिए, पंडित अजय गौतम को बताइए। अजय गौतम एक सेकंड रुक जाइए, अमीबेन याग्निक अभी आपने माना ना इस बात को कि ये जेंडर इक्वालिटी का मामला है, तो फिर शशि थरूर ये क्यों कह रहे हैं कि ये एक धर्म विशेष के मामले के लिए फैसला लिया जा रहा है? कोई आवाज नहीं आ रही आप में से किसी की भी। अमीबेन याग्निक फिर शशि थरूर ये क्यों कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष के लिए फैसला लिया जा रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? सीधे मैं रुक करूंगी प्रेम शुक्ला जी का। प्रेम शुक्ला जी,
खास धर्म के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम मर्दों को जेल में डाल रहे हैं सोच समझ कर, आपकी साजिश है ये आरोप है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आप पर। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्रों से जानना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक जैसी अघोरी परंपरा और किस धर्म में है, जिस धर्म में वहां पर भी कानून बन जाए। सर्वोच्च न्यायालय में ट्रिपल तलाक के विरोध में महिलाएं गई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर एक निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसमें जो है कानून बनाया जाए, संसद में इस संदर्भ में कानून बनाया जा रहा है। बिल कब पास होगा, और किस धर्म में जो है ट्रिपल तलाक जैसी परंपरा, विवाह विच्छेद की इस तरह की परंपरा, और किस धर्म में महिला बिल कब पास कराएंगे सर, महिला बिल कब पास कराएंगे, है ये ईसाइयों में है ये हिंदुओं में है ये जैनों में है ये बौद्धों में है ये, जब और कहीं पर ये है नहीं परंपरा तो आप किसके लिए बनाएंगे ट्रिपल तलाक। बीजेपी ने महिला बिल को लटकाया हुआ है, महिला बिल कब पास होगा, निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय का, कानून बनाइए, लेकिन आप चाह नहीं रहे कि महिलाओं के मुद्दों पर डिबेट हो पाए। नहीं देंगे, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, आप लगातार इंटरव्यू पास नहीं करने देना चाहते। प्रेम शुक्ला जी बात रखिए, प्रेम शुक्ला जी कब पास कराएंगे महिला बिल, जी कृपा करके बताइए ना, आप बड़े ज्ञानी हैं। अरे सर कब पास कराएंगे बता दीजिए, आप गुस्सा अघोरी परंपरा प्यार से बता दीजिए, महिला धर्म की महिलाओं को इस तरह से लैंगिक विभेद का सर, शिकार होना पड़ता है, बताइए ना, गुस्सा मत होइए, किस धर्म की महिलाओं को ये बता दीजिए महिला विधेयक कब पास होगा, लैंगिक विभेद वाली परंपरा का शिकार होना पड़ रहा है, उस धर्म का नाम बता दीजिए, उसके लिए भी इस तरह कानून बना दिया जाएगा। बिल को कब ला रहे हैं, कहीं पर इस तरह से और दूसरी तरफ सच्चाई नहीं सुनना, दूसरी तरफ महिला बिल की वकालत, महिला विरोधी लोग इस तरीके से रंग बदल, ये महिला विरोधी लोग, अगर ये महिला विरोधी न होते तो महिला विरोधी हम सब महिलाओं के तीन तलाक के विरोध में मोमबत्ती लिए गले में डाले हुए हैं, बड़े महिला बिल के समर्थन में हो आप घोषणा करो, इस साहब तीन तलाक पर बड़े संवेदनशील हैं, वो चाहते हैं कि ये तुरंत खत्म होना चाहिए, और आप बता दीजिए कानून भी बनना चाहिए, लेकिन महिला अभी तक तो ये अपने घर में कुछ करा नहीं पाए हैं, अभी तक होता तो ये आलम ही नहीं होता, बहस भी नहीं हो रही होती और किसी और विषय पर हम बात कर रहे होते, बता दीजिए जरा इन्हें महिला विधेयक बिल कब आ रहा है। देखिए अध्यादेश, इस अध्यादेश तो इस मामले में आ गया, महिला विधेयक बिल की बात कर रहा हूँ, महिला विधेयक बिल कब पास करा रहे हैं संसद में सर, महिला विधेयक बिल की बात कर रहा हूँ। अरे भैया अभी पहले पहले जो है सर, महिला विधेयक की बात कर रहा हूँ, कर ले पहले हलाला सर, महिला विधेयक की बात कर रहा हूँ, बंद कर दे सर, विषय पर करने आए हैं, राम मंदिर महिला अरे सर महिला विधेयक बिल की बात कर लीजिए, आप जैसे जो महिला विधेयक में बात कर लीजिए, हलाला के दलालों को सर महिला विधेयक में बात कर लीजिए, बड़े सम्मान के साथ हलाला की दलाली पहले बंद, बहुत मोहब्बत से प्यार से हलाला हम भी चाहते हैं औरतों को हक मिले, लेकिन महिला विधेयक बिल कब पास होगा, आपकी पीड़ा कब लाएंगे आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे, पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला विधेयक बिल पार्लियामेंट के फ्लोर पे कब आएगा सर, चीखने चिल्लाने सर कब आएगा, मेरे भाई मेरे बड़े भाई कब आएगा पार्लियामेंट के फ्लोर पे, और आप कब आएगा पार्लियामेंट के फ्लोर पे महिला विधेयक बिल, आप कितना भी कोलाहल सर बता दीजिए सर, कितना भी कोहराम सर बता दीजिए, देश सुनना चाहता है, के बावजूद जो है आप कितने महिलाओं के हितैषी हैं देश जानना चाहता है सर,
आपसे सर देश जानना चाहता है ना कि आप महिलाओं के कितने हितैषी हैं, देश जानना चाहता है सर। आप बहस कर मेरे भाई जानना चाहता है देश कुछ रहे हैं, मेरे भाई देश जानना चाहता है देश नहीं बता दीजिए ना जानना चाहता है जो राम मंदिर पर तो बिल नहीं ला रहे हैं, महिला विधेयक बिल बता दीजिए हो रही है, महिला विधेयक बिल बता दीजिए कब ला रहे हैं। आज आप राम मंदिर जानना चाहते हैं, आप महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं को आप महिला विधेयक बिल कब ला रहे हैं पार्लियामेंट में ये बता दीजिए। जो आपने दलाली की, नहीं जिस दलाली के धंधे पे आप जिए इतने, मैं उस पर नहीं जाता। रोजगार जो है मैं आपको दलाल भी नहीं कहता, ना दलाली करने वाला कहता, मैं तो ये कह रहा हूँ महिला विधेयक बिल आप कब ला रहे हैं। आप जान रहे हैं सर महिला विधेयक बिल कब आ रहा है, नादिया के सर महिला विधेयक बिल कब आ रहा है, सर महिला विधेयक बिल कब आ रहा है, मारेंगे आपको महिलाओं को सशक्तिकरण दीजिए, महिला विधेयक बिल कब लाएंगे आप, इसलिए महिलाओं पूरा देश जानना चाहता है, महिलाओं पूरा देश जानना चाहता है। कांग्रेस लाई थी आपने उसको रोक दिया था, आज बताइए आप शक्ति में हैं, आपके पास बहुमत है पार्लियामेंट में, आप कब उसको पास करने जा रहे हैं। आप दलाली कर लेते सर बता दीजिए प्लीज, पूरा देश जानना है, पूरा देश जानना चाहता है। उस रोकने की जो आप एक्सपोज हो गए प्रेम शुक्ला जी, एक्सपोज हो गए आप एक्सपोज हो गए, आप महिलाओं के कितने हितैषी हैं, एक्सपोज हो गए। दलाल का चेहरा मैंने आपको एक्सपोज कर दिया, मुझे फख्र है, मुझे फख्र है कि मैंने आज बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है कि आप महिलाओं के हितैषी नहीं है, आप महिलाओं के हितैषी नहीं है। मैं डंके की चोट कह सकता हूँ, बीजेपी छलावा कर रही है महिलाओं के नाम पर, बीजेपी छलावा कर रही है। अब तक ये पता था गिरगिट जो है मुस्लिम महिलाओं के नाम पर छलावा कर रही है, छलावा कर रही है, क्योंकि ये अपने को तीन तलाक की बात की है। बता दीजिए कि वो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए बीजेपी महिलाओं की कितनी बड़े फक्र के साथ बता अगर महिलाओं की हितैषी है तो महिला विधेयक बिल लाइए, रशीदी साहब की महिला विधेयक बिल लाए बीजेपी, चाहिए अगर महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहती है तो महिला विधेयक बिल लाए। मैं मौलाना साहब से ये पूछना चाहती हूँ, अरे आप प्रेम शुक्ला से पूछिए महिला विधेयक बिल कब आएगा, आप महिला है मैडम, मेरी बहन आप महिला है, मेरी बहन आप महिला है, मेरी बहन आप महिला है, आप प्रेम शुक्ला से पूछिए महिला विधेयक बिल कब आएगा, मेरी बहन आप पूछिए प्रेम शुक्ला से, आप औरत है, आप औरत है, महिला विधेयक बिल कब आएगा, महिला विधेयक बिल कब आएगा, महिला विधेयक बिल कब आएगा, आप प्रेम शुक्ला से पूछिए महिला विधेयक बिल कब आएगा। अगर आप नहीं पूछ सकती तो इसका मतलब ये है कि आप भी एक्सपोज हो रही हैं, आप कभी भी महिलाओं के साथ चुके, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, आप लोगों ने अपने बराबर समझा ही नहीं है, आप बीजेपी की मेंबर हैं, बीजेपी की सदस्यता नहीं है, आप आम आदमी पार्टी के हो, समाजवादी के हो, मायावती के हो, आप बीजेपी एक्सपोज हो गई है, मुझे फख्र है, ये तो बताओ मुझे फख्र है, मुझे फख्र है कि मैंने आज बीजेपी को एक्सपोज कर दिया, ना प्रेम शुक्ला ने ना नाजिया इलाही ने जवाब दिया, महिला विधेयक हम महिलाओं के साथ है, झाड़ू के साथ हम महिलाओं के साथ है, अरे महिलाओं के साथ, तीन तलाक के समर्थन हम महिलाओं के साथ, हम महिलाओं के साथ, और हम महिलाओं के साथ, महिला विधेयक बिल कब आएगा, महिलाओं के साथ महिला विधेयक बिल कब आएगा, ये किस तरीके का महिला विधेयक बिल कब आएगा, महिला विधेयक बिल कब आएगा, आप कहते हो कि तीन तलाक होना चाहिए, आप महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन हो, आप के सबसे बड़े दुश्मन है आप लोग, और अफसोस ये है कि नाजिया इलाही औरत होते हुए औरत के हक की बात नहीं कर रही है। आज तक इस्लाम में औरतों की पढ़ाई होनी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए, बता दीजिए कितना काम किया, कितना आपने कितना मुस्लिम औरतों को पढ़ाने के लिए खाने में मदद करी, कितना आपने उनको जो है रोजगार दिलाने में मदद करी, आपने मदद करी, कैसे तीन तलाक को बढ़ावा दो,
कैसे हलाल आपको बढ़ाओ और कैसे जो है इस तरीके का महिलाओं का शोषण करो, तो आज महिलाओं के जो सबसे बड़े शोषण करने वाले लोग हैं वो महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं। महिला विधेयक बिल कब आएगा? पहले आपका नाम लिया जाएगा। महिला विधेयक बिल कब आएगा? क्रिकेट से पहले आपका नाम महिला विधेयक बिल कब आएगा? इतनी जल्दी हमको क्रिकेट विधेयक बिल कब आएगा? महिला विधेयक बिल कब आएगा? विधेयक बिल रशीदी साहब ने आज पूरी तरह से इस डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की है। रशीदी साहब सुन लीजिए बात, रशीदी साहब हाथ पटकने पे आए, मुझे डर है कहीं अपना सर ना पटक ले, मैं चाहता हूं इनको पकड़ लिया जाए, अपना सर ना पटक ले। चुप हो जाइए, नहीं चुप हो जाइए, नहीं चुप हो जाइए। महिला विधेयक बिल, रशीदी साहब महिला विधेयक बिल आ जाएगा महिलाओं के सम्मान में कि महिला विधेयक बिल आना चाहिए, महिला विधायक बिल आना चाहिए। बोलो प्रेम शुक्ला को लाओ, आना चाहिए और हलाला और तीन तलाक का समर्थन करने वाला रासुका में जेल में होना चाहिए। बिल्कुल डालो, रशीदी जी को जेल में होना चाहिए क्योंकि हलाला के समर्थन है, क्योंकि तीन तलाक के समर्थक है, जेल में होना चाहिए। समर्थन करते हैं आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, खत्म समर्थन बिल्कुल नहीं करते, महिला सुरक्षा ना हम तीन तलाक का समर्थन करते हैं। आप दोनों चुप होंगे कि नहीं होंगे? मैंने ना तीन तलाक का समर्थन किया। रशीदी साहब एक बात कह दूं आपको, लेकिन आपने इतनी देर से इस पूरी डिबेट को खराब करने की कोशिश की, नहीं बिल्कुल। पहली बात अगर महिला विधेयक भी खराब होगी, अगर महिला विधेयक भी लागे तो डिबेट खराब करना है, तो आप जा सकते हैं। इसका मतलब आप भी महिला पर बात नहीं करते, और दूसरी बात आप भी महिला पर बात नहीं करते, आप तीन तलाक बिल पर समर्थन करते हैं, आप तीन तलाक बिल पर समर्थन करते हैं, तो विरोध जो कर रहे हैं उनकी निंदा करिए। आप विरोध करने वाले लोगों की निंदा करिए, आप विरोध करने वाले लोगों की निंदा करिए। रशीदी साहब, रशीदी साहब आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। रशीदी साहब अगर अगर आप विरोध कर रहे हैं जो तीन तलाक के बिल का, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो आप इस बात में एक्सपोज है खुद। आप विरोध नहीं कर रहे तो आप खुद एक्सपोज है। आप आदमी का विरोध किया बताइए, एक्सपोज आप हुए या कौन हुआ? करो आजम खान का विरोध, करो अबू आदमी का विरोध, करो पहले विरोध, उसके बाद बात करना। मैं कह रहा हूँ आजम खान का विरोध, महिला विधेयक अबू आजमी का विरोध करो, महिला विधेयक एक्सपोज कौन हुआ बताइए, महिला विधेयक इसका मतलब आप आजम खान का समर्थन कर रहे हो, महिला विधेयक इसका मतलब आप देश के संविधान को चुनौती दे रहे हो, महिला इसका मतलब आप अबू आजमी के साथ खड़े हो ना, बोलो महिला विधेयक बिल। नहीं नहीं ये बताओ अबू आजमी के साथ महिला विधेयक बिल आजम खान के साथ खड़े हो, महिला विधेयक बिल जब अबू आजमी और आजम खान के साथ खड़े हो तो महिला की बात करने का तुम्हारा चेहरा ही नहीं बनता सर, महिला तुम्हारा चेहरा नहीं बनता, तुम खुद महिला विधेयक बिल। आज आपको, आज आपको मुस्लिम महिलाओं ने देख लिया है कि आप किसके साथ हैं। अबू आजमी अगर आप नहीं, अगर आपका मकसद डिबेट को खराब करना है, आप मेरी बात सुनिए, आप बहुत देर से डिबेट को लगातार आप बोले जा रहे हैं, आप लगातार बोले जा रहे हैं, बात सुनिए। नहीं नहीं मैं आपकी बात सुनने नहीं बैठी, आप जरा मेरी बात का जवाब दीजिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए कि जो तीन तलाक बिल के समर्थन में है नहीं है, आप तीन तलाक बिल के समर्थन में है कि नहीं है, आप तीन तलाक बिल के समर्थन में है कि नहीं है, तो जो विरोध में उनकी निंदा कीजिए, जो विरोध में है जो विरोध में उनकी निंदा करिए, जो विरोध में निंदा करिए। नहीं 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 आप बिल्कुल इधर उधर नहीं, बताइए आप ये बताइए तीन तलाक के विरोध में जो लोग हैं उनकी निंदा करिए, आप डिबेट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? रशीदी साहब ने पूरी डिबेट को अपने हिसाब से ट्रेल करने की कोशिश की, जरा बताइए इनको मुस्लिम महिलाएं आज क्या सोच रही होंगी इनके बारे में। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी एक्सपोज हो गए सब लोग, कितने हितेशी हैं अब महिलाओं के लाते ही ये ताली बजाने वाली जो जमात है, जो तृतीय पंथी जिनको कहते हैं, आज जो तृतीय पंथी साबित हो गए, आज जो ताली बजाने की मजबूरी आ गई,
अब रसीदी साहब आप ताली ही बजाएंगे। कला में पारंगत हो गए, ये आज सिद्ध हो गया है। आप घर घर ताली बजाइए और हाथ फैलाइए। अब आप इसी बारे में, संविधान के बारे में सिद्ध हो गया है। ले लेंगे हक, हम छीन के अपना हक ले लेंगे, आप लोग नहीं देने वाले हैं। अमी बेन याग्निक, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर रशीदी साहब और तमाम जो पैनलिस्ट है अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन रशीदी साहब ने पूरा टाइम अपनी एक रट्टू तोते की तरह किस तरह से पूरे समय बिल्कुल आप रहने दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे ना। अमी बेन याग्निक, अमी बेन याग्निक, क्या ये बता दीजिए मुस्लिम समुदाय के अलावा कहीं भी ऐसा है कि महिलाओं के हक को इस तरह से देखा जाता है, उन्हें पुरुषों से नीचे देखा जाता है? हिंदू मुस्लिम क्यों करती हैं तलाक? मैं नहीं कर रही हूँ, जो है वो मैं बता रही हूँ। अमी बेन याग्निक की आवाज, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, आप चुप हो जाइए, बिल्कुल मत कीजिए, आप चुप हो जाइए, अमी बेन याग्निक बिल्कुल मत। मर्यादा लांग रहे हैं, अमी बेन याग्निक, अमी बेन याग्निक, ये बिल कैसे पास होगा? पर नहीं, बिल तो पास होगा क्योंकि यहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात है, पर इन लोगों ने पता नहीं क्या ये डिबेट को समझा है। या आप तो ये इसका शीर्षक बदल दीजिए, हम तो पूछेंगे नहीं, हम तो लड़ेंगे, हम चिल्लाएंगे, पर किसी को बताएंगे नहीं कि इसका अधिकार क्या है, महिला का अधिकार क्या है। ये तो कोई डिबेट थोड़ी है, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है। ये बिल जरूर पास होगा क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की बात है, महिला अधिकार की बात है, और उनको जो ये जो शोषण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये बिल की बात तो करते ही नहीं है, और बात पे चढ़ गए दोनों। उम्मीद है इस बात के साथ ही रशीदी साहब को जवाब मिल गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।